बॉल। तो भाई यहाँ पे दो रन दो बॉल। अब दिल्ली का अगर यही हाल रहेगा, टेल जो है साफ कर दी थी बिल्कुल ही जिस हिसाब से बॉलिंग हुई थी बाद में, और दिल्ली वाले जो है कुछ ज्यादा कर ही नहीं पाए। लेकिन इस बीच जो है मैच जो चल रहा था लखनऊ और गुजरात का, ये मैच खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि 130 पर सिमट चुकी है गुजरात, और ये मैच जो है लखनऊ जीत चुका है बिल्कुल। मतलब यार क्या कमाल तरीके से, क्या कमाल की बॉलिंग हुई है। 33 रन से ये मैच भाई, ब्रेकिंग न्यूज हो गया है कि 33 रन से ये मैच लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने होम में जीत लिया है। लखनऊ के अंदर ये मैदान था, ये बहुत बड़ा, और उसके अंदर वो कह रहे थे कि अदब से हराएंगे, और बहुत ही अदब से हराया। यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जीतने के बाद उनको कोई एक्साइटमेंट हो रही है। सब जाके बस हाथ मिला रहे हैं, हाथ मिला रहे जीत गए, पता भी नहीं चलेगा इनकी शक्लें देख के इतना बढ़िया मैच जीत के गए। और ये बड़ा ही लखनऊ जो है अपने पुरानी इमेज के साथ खेलता हुआ कि भाई थोड़ा कम रन जो है वो बनेंगे, थोड़ा स्लोअर बॉलर जो होंगे उनको मदद मिलेगी, बैटिंग के लिए उतना बड़ा पैराडाइज उसको नहीं माना जाएगा, वैसा ही कुछ आज भी साबित हुआ है। और गुजरात की टीम जो है वो सिमट गई है मात्र 130 पर, और 33 रन से जो है ये मैच लखनऊ ने अपने नाम कर लिया है। भाई कृणाल पांड्या जो बड़े पांड्या ब्रदर है, उन्होंने 3 विकेट आज निकाले, और यश ठाकुर ने पंजा खोल दिया है भाई। 5 विकेट यश ठाकुर को मिले, और एलएसजी जहां 164 रन ही बना पाई थी, सबको लग रहा था छोटा टोटल है, शायद गुजरात इसको बहुत अच्छे से चेस कर लेगी, लेकिन 130 पे गुजरात की पूरी पारी जो है वो समाप्त हो गई है। और इसी पे भाई दो लाइनें जो हैं वो मैंने इस मैच के लिए भी लिख दी, अर्ज कीजिएगा। तो सुपर संडे पर फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे पर नहीं हुई रनों की बरसात। ओहो हो हो, फैंस तो एक्सपेक्ट कर रहे थे पर नहीं हुई रनों की बरसात, और जीता हुआ मैच हार गई गुजरात। भाई इस पे तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। क्या इरशाद? मैं कह रहा हूं कि जी लूडो में जीतना है तो काटो सामने वाले की गीटी। ओहो, लूडो में जीतना है तो काटो सामने वाले की गीटी। भाई जीत गई लखनऊ, हार गई जीटी। ओहो हो 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 हो, जीटी भाई बिल्कुल रो रहे हैं गुजरात वाले फैंस, और क्योंकि भाई जब हार्दिक यार 53 रन पहली विकेट के लिए, आप ये सोचो कि 53 रन जब जुड़ चुके थे, पहली पार्टनरशिप जो आई थी इतनी तगड़ी आई थी, पावर प्ले के अंदर 50 से ऊपर आपके रन आ जाते हैं, उसके बाद एक कमांडिंग पोजीशन में बैठने के बाद आप इस तरीके से अगर हार जाते हैं तो फिर गुजरात के आगे बड़े सारे सवाल है अपनी बैटिंग को लेकर। क्या ये केन विलियमसन को लेकर आए, और लेकिन उनका तो डिसमिसल जो गया बड़ा ही अनलकी सा गया, जो कैच पकड़ ली थी, लेकिन ये जो हालत हुई है गुजरात की ये करी है। सबसे आगे इसमें है नाम यश ठाकुर का, 5 विकेट इन्होंने लिए हैं, पूरे 4 ओवर भी नहीं खत्म हुए थे उससे पहले ही इन्होंने 5 विकेट निकाल दिए, सिर्फ 30 रन दिए, 7.8 का इकोनॉमी रेट रहा, पंजा खोला है। और कृणाल पांड्या ने भी, आप यकीन मानिए ये कृणाल पांड्या के ही बॉलिंग फिगर्स हैं, 4 ओवर 3 विकेट 11 रन, सिर्फ 11 रन। और जहां कृणाल पांड्या साहब इतनी तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं, वहां पर अगर आप मुंबई के मैच की बात करें तो वहां पे हार्दिक भाई लगातार दूसरे मैच में बॉलिंग ही नहीं कर रहे थे। लो जी लो, और यहां पर भाई कृणाल पांड्या जो है वो आज सर पर बंडाना बांध कर आ गए हैं। तो यार ये देखो, ये जो बंडाना वाला खेल है ना, वो कृणाल पांड्या के लिए तो सही साबित हो रहा है, इन पे कृपा आ रही है। पर पार्टनरशिप जो थी मार्कस चोइनिस और केएल राहुल, आज हमने फिर केएल राहुल की जगह जरा क्विंटन डिकॉक की शक्ल दिखा दी है। हमारा मन कर रहा है आज थोड़ा संडे में ऐसा करने का, हमारा स्टाइल है यार। लेकिन केएल राहुल की इनकी पार्टनरशिप जरूर जमी, दोनों बहुत स्लो खेल रहे थे। केएल राहुल ने तो इनफैक्ट बिल्कुल ही यार 100 के आसपास ही इनका 106 का मेडिकल स्ट्राइक रेट था, स्ट्राइक रेट यार केएल इतने रन, वो उन्होंने वही बात है कि लखनऊ की पिच जिस तरीके की थी, बैटर्स को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी यहां पर, वो बस टिक के कैसे ना कैसे करके अपना एक एंकर रोल जो था वो निभा रहे थे। और साथ में बहुत ज्यादा जो अगर आप बात करो स्ट्राइक रेट की तो वो कम भाई 106 का स्ट्राइक रेट, और केएल राहुल भाई अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर आप 2023 से इन्होंने 13 इनिंग्स खेली है जिसके अंदर सिर्फ 400 रन है और स्ट्राइक रेट है 117 का, तो 57 ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने 150 से ऊपर बॉलें खेली है, और केएल राहुल सिर्फ एक लौते ऐसे बंदे हैं जिनका स्ट्राइक रेट 120 से कम है। लेकिन क्यों ओपनिंग करने आ रहा है बंदा? एग्जैक्टली माय पॉइंट, ये ओपन करने क्यों आ रहे हैं ऐसा अभी तक हमें तो समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया है तो आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हो कि यार ये गेम का रिजल्ट जो है आपको कैसा लगा, आप लोग कॉमेंट करो, आपका कॉमेंट और आपका नाम हम लोग फीचर करेंगे लाइव टीवी पर आप ही को यार, क्योंकि प्यार आपसे है तो आप लोग जो भी कहेंगे आप ही एक्सपर्ट्स हैं, आप ही की बातें हम यहां पर रखेंगे। तो आप फटाफट से कॉमेंट करो यार कि केएल राहुल ये ओपन क्यों करने आ रहे हैं, और ये क्या गुजरात ने जीता हुआ मैच जो है वो हार गए हैं, ये हालत हुई है, आप बताइए प्लीज। भाई राहुल जो ओपनिंग पे आए थे यार, और मतलब बिल्कुल कमाल नहीं कर पाए, माना लखनऊ की पेस थोड़ी स्लो है, यहां पे ज्यादा रन नहीं लगते हैं, पर यार राहुल को समझना चाहिए ना। गुजरात टाइटंस का यहां पर स्कोर कार्ड देख लीजिए, 31 रन आए 23 बॉलों में साई सुदर्शन की तरफ से, ये भी स्लो हो गए थे, इवेंचुअली स्लो हो गए थे बिल्कुल यार। साई सुदर्शन शुरुआत इन्होंने बहुत अच्छी करी थी, काफी 150-200 के स्ट्राइक रेट से मार रहे थे, पर
23 गेंदों में एंड में 31 रन मार के आउट हुए। शुभमन गिल 21 बॉलों में 19 100 से भी कम का स्ट्राइक रेट। शुभमन गिल जब शुरू से खेलना चाह रहे थे एक पॉइंट ऐसा था कि 100 से नीचे ही इनका चले जा रहा था स्ट्राइक रेट, लेकिन उस टाइम पे शायद इनको उनको जो हुआ थोड़ा प्रेशर फील हुआ कि नहीं मुझे मारना चाहिए, मुझे तेज खेलना चाहिए। यश ठाकुर पे इन्होंने एक चांस भी लिया था जब आगे मारने के लिए, चौका भी निकाला था कट करके, लेकिन उसके बाद इनकी विकेट जो है वो वही लेकर गए और अपने आप को यॉर्क करा बैठे थे जैसे इनके स्टंप्स गिरे थे। तो शुभमन गिल शायद कहीं ना कहीं शुरुआत में जब वो स्लो खेलते हैं तो वो प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड होता रहता है, लगभग वैसा ही कुछ हाल हुआ शुभमन गिल का। बाकी केन विलियमसन की जो कैच थी, रवि बिश्नोई ने जो उड़ के कैच ली है, सुपरमैन बन के जो कैच ली है, वो बड़ी कमाल थी। बाकी इस बीच आप लखनऊ सुपर जायंट्स का जो बैटिंग कार्ड है आप वो भी देख सकते हैं। स्टॉइनिस अगर आप बात करें यहाँ पे सबसे ज्यादा उनके ही रन दिख रहे हैं, 58 रन दिख रहे हैं 43 बॉलों पे, तो आप यही देखेंगे कि उनका जो स्ट्राइक रेट था वो भी 130 के आसपास ही था, 130 से थोड़ा ऊपर था। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे निकोलस पूरन बार बार ये इनको टेल पर जाकर बचा लेते हैं, कभी कभी तो लगता है जब इन्होंने 32 रन नॉट आउट मारे 22 बॉलों पे, और एक जिस तरीके से आप ग्राउंड पे भी देखते हैं कभी कभी लगता है कप्तानी भी यही कर रहे हैं यार, तो कभी कभी ये लगता है कि केएल राहुल है असली कप्तान या निकोलस पूरन है। वैसे केएल राहुल जब जाते हैं तो निकोलस पूरन ही कैप्टेंसी संभाल भी रहे होते हैं। बिल्कुल यार, और विकेट के पीछे होते हैं ज्यादातर निकोलस पूरन, और मतलब उनका रोल जो है वो विकेट कीपर का है, चाहे क्विंटन डिकॉक कर रहे होते हैं, लेकिन भाई मतलब जो निकोलस पूरन है तो केएल राहुल ही रहे होते हैं ना, कीपिंग तो दिक्कत तो भाई है भाई, सारे कीपर भरे पड़े हैं लेकिन केएल कह रहे हैं कि भाई मैं कीपिंग करूंगा। अरे भाई आप इंजर्ड हो तो मत करो ना। और निकोलस पूरन भाई एक लौते ऐसे बंदा है जिन्होंने ये जो एलएसजी की ट्रेन है उसको पटरी पर रख रखा है, 4 मैच खेले हैं और उसमें पहले मैच में 64, अगले मैच में 21 बॉलों पे 42, उसके अगले मैच में 21 बॉलों पे 41, उसके अगले मैच में 32 रन। भाई तो ये बंदा जो है एंड में आके पूरी एलएसजी की गाड़ी को संभाल रहा है, उससे ऊपर वाले बंदे कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं यार। मेरे को पहले आप पहले ये बता सकते हो कि पार्टिकल साहब का क्या रोल था यहां पे? पार्टिकल साहब जो है ये आज भी जल्दी से आउट हो गए हैं और इनसे आज भी बैटिंग नहीं हो पा रही है। इनका पूरा सीजन बहुत ही ज्यादा भयानक जा रहा है, इनसे ऐसा लग रहा है कि हर कोई पासिंग द बक कर रहा होता है। जब भी ऑक्शन आते, मिनी ऑक्शन आते, बड़े ऑक्शन आते, हर कोई कहता है पार्टिकल ले लो, हर कोई कहता है पार्टिकल ले लो, हमें नहीं चाहिए आप ले लो। तो अब अगर ऐसी बैटिंग रहेगी कि 7 बॉल पे 7 रन रहेंगे तो फिर ऐसी बैटिंग के ऊपर तो हर कोई पासिंग द बक ही खेलेगा देवदत्त पार्टिकल के साथ। यार देवदत्त पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है, और इनकी वजह से दीपक हुडा नहीं खेल पा रहे।